हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतिशाम बेग, आपका मैथ्स एजुकेटर। आज आपके साथ मेंसुरेशन 3D का कोन सेक्शन लेकर आया हूं। जैसा आप जानते हैं कि हमारा 2D लगभग पूरा हो चुका था, इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका था और आपका 3D भी स्टार्ट कर दिया था। 3D में मैंने आपको क्यूबॉइड एंड क्यूब ये बता दिए थे, सिलेंडर बता दिया था। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स कोन सेक्शन। कोन एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो पार्ट आते हैं, ठीक है। एक सेल्फ कोन होता है, उसको जब हम काटते हैं तो फ्रस्टम बन जाता है, ठीक है। तो फ्रस्टम का हम कॉन्सेप्ट अलग से आपको बता देंगे एक शॉर्ट वीडियो में, उसमें आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन वी विल मूव टूवर्ड्स व्हाट क्वेश्चंस। ओके, तो यहां पर जो है मेंसुरेशन 3D, एक बात आप समझ लीजिए, आपका जो मेंसुरेशन का पार्ट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर CDS एग्जामिनेशन पर्पस। CDS के एग्जाम के लिहाज से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा और आई एम श्योर कि आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, एक तरीके का क्रैश कोर्स चल रहा है और इस क्रैश कोर्स में मैंने सबसे पहले उस टॉपिक को उठाया जो टॉपिक सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है, वेटेज मेंसुरेशन का है, ज्योमेट्री का ज्यादा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सेगमेंट आपका क्या कह रहा है। कोन, सबने आइसक्रीम खाई है, बस उसी शेप का होता है। देखिए, ये आपके सामने कोन का शेप बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये शेप किस टाइप का है। भाई, अगर आपने आइसक्रीम खाई है तो उसमें आप उल्टा पकड़ते थे कोन, है ना। यहां पर आपको टेंट के नुमा में मिल रहा है। और अगर यहां पर हम देखें, दो टाइप के कोन दिख रहे हैं, एक आपका राइट सर्कुलर राइट एंगल पे और एक आपका एंगुलर फॉर्म में बन रहा है, ठीक है। तो अगर राइट एंगल पे आपका बन रहा है तो मिडिल यानी रेडियस का जो ओरिजिन होगा वहां से आपका क्या एकदम परपेंडिकुलर यानी ये 90 डिग्री बनाता हुआ हाइट की तरफ जाएगा, और जो सर्कमफ्रेंस पे लेंथ मिलेगी उसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस। पर ये क्या है, ये देखिए, ये चीज समझो, ये समझना जरूरी है। ये जो आपकी है ये स्लैंट हाइट है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा। ये 3D पोर्शन था इसलिए इसको इस तरीके से दिखाना जरूरी था। जस्ट इमेजिन कि आप ऐसा देख रहे हैं, इमेजिन नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस आपका सर्कुलर फॉर्म है, सर्कुलर फॉर्म का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेटरल सर्फेस एरिया यानी ये जो टेंट के इर्द गिर्द ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसका एरिया आपको जो है आपको लेना है। अब आपको पता है इसका एरिया क्या होगा, पाई आर और स्लैंट हाइट एल, सिंपल कहानी। अब टोटल सरफेस एरिया जब आप लोगे तो होगा टोटल स्लैंट हाइट वाला मतलब लेटरल और सर्कुलर फॉर्म का एरिया, तो सर्कुलर फॉर्म पाई आर स्क्वायर होता है। कॉमन लोगे पाई आर एल प्लस आर, आपका टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ओके, आई होप आप सभी को समझ में आ रहे होंगे, ये सारे फॉर्मूले दिख रहे होंगे, ठीक है। देखिए, इंपॉर्टेंट है, और भाई सभी लोग शेयर लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। मैं जो क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं एटलीस्ट उसको आप क्या किया करिए, कम से कम होमवर्क के फॉर्म में होमवर्क तो किया करो भाई, क्यों। और मैं कहता हूं कमेंट डालो, कमेंट एक ही दो लोग के आते हैं, बाकी ज्यादा लोगों के नहीं आते हैं। मैंने अभी एफ कैट का भी अभी वीडियो बनाया है, मोस्ट एक्सपेक्टेड, अगर आप उसे सिर्फ एक बार जाकर देख लेंगे तो आपको लेवल का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आपकी CDS की टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द। वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू इन द कमिंग 1 week or 2 week, ओके, मतलब 1 week के अंदर ही आप मान के चलिए कि आपको ये टेस्ट सीरीज लॉन्च होती हुई मिलेगी, ठीक है। देखिए, इसमें बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि आपको लेवल उतना मिले कि आप एग्जाम कोई सा भी हो क्लियर कर जाए, ओके। चलिए मूव करते हैं, आई होप आप सभी को फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ, और हमारा पहला सवाल कह रहा है कि द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12। भाई देखो, यहां पर अगर हम कोन बनाए तो हमें दिख जाएगा कि जो रेडियस है वो 5:00 में, हाइट जो है वो 12:00 में। अब स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी, पाइथागोरस की हेल्प से 13:00। तो स्लैंट हाइट, रेडियस और हाइट का रेशियो बनेगा 13, 5 और 12 का, ठीक है। अब यहां पे एक डेटा गिवन है वॉल्यूम का, बस पुट करिए वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना भाई, और इसके बराबर होगा 2512 के। जैसे ही आप पुट करोगे, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहां पे 3.14 आपको पाई को लेना है,
अदरवाइज ये 2512 कटेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि कोई भी 7 का मल्टीपल नहीं है, तो हम इसको 3.14 ही लेंगे। रेडियस आपकी 5x का होल स्क्वायर, हाइट आपकी कितनी हो जाएगी 12x इज इक्वल टू 2512, हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसके अंदर जो है x की वैल्यू निकालनी है, और जब आप इतना सॉल्व करेंगे इजीली कट पिट जाएगा, x की वैल्यू 2 आएगी। जैसे ही 2 आई सबको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, रेडियस क्योंकि ये सब रेशियो में था, तो आपसे पहले दो जो टर्म है वो तो निकल आए, स्लैंट हाइट और रेडियस। स्लैंट हाइट कितनी 26, रेडियस कितनी 10। तो भाई देखो एक ही टर्म मैच कर रहा है, चाहो तो दूसरा टर्म मैच कराने की, लास्ट वाले टर्म मैच कराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, यानी 3.14 इंटू आर कितना है भाई आपको पता है 10, और एल कितना है आपको पता है 26, यानी आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा लास्ट वाला ही, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिए और आंसर निकाल लीजिए, ये आपको करना है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, डायग्राम बना के क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व किया करिए, कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अ सिलेंड्रिकल वेसल इज फुल विथ वॉटर, देखो यहां पे सिलेंड्रिकल का दिया हुआ है, सिलेंडर में पढ़ा चुका हूं, जिसको नहीं पढ़ाओ वो जाके देख ले, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी राइट कोन्स हैव सेम डायमीटर एंड हाइट एज डोज ऑफ राइट सिलेंडर विल बी नीडेड टू स्टोर द वॉटर। अच्छा अब यही वॉटर जो है किसमें जाना चाहिए, कोन में, जाहिर सी बात है कोन का वॉल्यूम भाई इतने कोन लगने चाहिए कि यहां पर मैच कर जाए इसका वॉल्यूम पूरे पानी का। तो अब आपको पता है कि देखो यहां पे सपोज कर लो एन कोन्स है, अगर हम वॉल्यूम देखें सिलेंडर का, ठीक है सिलेंडर का वॉल्यूम देखें तो ये कितना है पाई आर स्क्वायर एच, कोन का वॉल्यूम कितना होता है सेम होता है बस एक तिहाई हो जाता है। तो एक बात बताओ, अगर सिलेंडर जो है सिलेंडर का पूरा पानी इसके में जाएगा कोन में, तो भाई कोन जो है सिलेंडर का एक तिहाई ही तो वॉल्यूम ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है हमें कितने कोन चाहिए होंगे, 3 कोन चाहिए होंगे, खत्म, हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल कहानी। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से डील करेंगे आप। अ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ मेटल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, देखो सिलेंड्रिकल पीस है, ठीक है वो रेडियस है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर, इज शेप्ड इनटू अ कोन ऑफ सेम रेडियस। अब देखो सेम रेडियस का कोन बनेगा लेकिन हाइट सेम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि सिलेंडर सीधा सीधा होता है और कोन आपका क्या हो जाता है स्लैंट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम कम होने लगता है। तो यहां पर हमें वॉल्यूम मैच कराना होगा ना भाई, हम वॉल्यूम मैच कराएंगे तभी हमारा क्या बनेगा, काम बनेगा। तो चलिए देखिए अब हमें क्या करना है, हम इसका मतलब है सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है बराबर होगा कोन के वॉल्यूम के, ठीक, और रेडियस सेम है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ओके इज इक्वल टू पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच 1, ठीक। देखो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर का किस्सा खत्म, सेम रेडियस, एक की हाइट है 6 और एक तिहाई इंटू हाइट 1, तो हाइट 1 होनी चाहिए 18 सेंटीमीटर, दैट्स योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, डील करना है। अब हम आगे चलेंगे तो नेक्स्ट सवालों को हम देखेंगे कि क्या सवाल आपके कह रहे हैं, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं, ये सवाल आपका कह रहा है द स्लैंट हाइट ऑफ अ कॉनिकल टॉम इज 17.5 मीटर, ठीक है भाई डायग्राम बना लो, ये 17.5 मीटर है, पॉइंट पे मत करना। इफ इट्स डायमीटर इज 28, तो इसका मतलब रेडियस क्या हो गई 14, क्या हाइट नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, अभी इसको निकालने का तरीका बताऊंगा। इफ फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट एट 135 रुपी पर क्यूबिक मीटर, ओके एंड ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द स्लैंट, स्लैंट का मतलब ये, ठीक, स्लैंट सरफेस एट रुपीज 3.3 स्क्वायर। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, अब देखो यहां पे इसको करोगे कैसे, देखो यहां पे सिंपल है, पहले तो हाइट निकालो, ठीक है हम क्या करते हैं हाइट निकालते हैं। चलो देखो हाइट निकलेगी कैसी, पाइथागोरस से, यानी 7 होल 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर।
अब ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी हाइट जो आएगी आपकी सॉल्व करने पे आएगी क्या 17 माइनस 14 कितना होगा 3 होल 1 बाय 2 इंटू 17 प्लस 14 कितना होता है 31 होल 1 बाय 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा, हाइट स्क्वायर था ना, यह आएगा 21 बटा 2 मीटर आएगा। बस अब हमें निकालना है वॉल्यूम, क्यों, क्योंकि क्यूबिक मीटर पे दिया गया है पैसा, ठीक। तो यहां पर समझिए हम ये निकालने की कितना क्यूबिक मीटर हमारा लगने वाला है, तो 1/3 pi 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है भाई 14 × 14, भाई स्प्लिट करके लिखा करो बहुत मजा आएगा, 21/2 हाइट, देखो सब कट जाएगा, ये गया ठीक है, ये 2 गया, अब देखो ये 3 7 गया। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपको आंसर भी देगा, कैसे देखते जाइए, देखो इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको यहां पे सबसे पहले क्या निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा। अगर आप एक बार वॉल्यूम निकालना सीख गए मुझे नहीं लगता है कोई एग्जाम में आपको दिक्कत होने वाली है, ओके। वॉल्यूम निकालना आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप वॉल्यूम निकालिए, और जब आपका ये वॉल्यूम आ जाएगा भाई, आप देखो 14 × 7 = 98 होता है, ठीक है, और अब यहां पे 22 बचा, 22 22 अट्ठे कितना होता है 176, 22 नवा कितना होता है भाई 198, ठीक है, एक तरीके से सोचिए 198 में 17 जोड़ो 225, तो इस तरीके से आपका कुछ ना कुछ बनेगा। अब यहां पे आप इसको जब सॉल्व करेंगे फर्दर तो आप क्या करेंगे भाई, आप वैल्यू के साथ जाएंगे, और वैल्यू के साथ जाने पे आपका काम आसान होने लगेगा, ठीक है भाई। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और इजी वे में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही वॉल्यूम निकला, ठीक है, वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई करेंगे 135 के साथ, 135 के साथ वॉल्यूम मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट आंसर जो आएगा आपका ये आएगा, इसे कैलकुलेट कर लेना, देखना कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो, ठीक है। देखो 22 × 7 = 154, हाँ ठीक है, ये वॉल्यूम निकला 135 से गुणा कर दो, ठीक है भाई, इसको देख सकते हो आप 154 और 14, 14 चौको 56, 14 × 70, 70 × 5 = 75, 14 × 14 = 21, देखो भाई 21 जो है, सॉरी 21 और आपका क्या आ रहा है 21 और 56 आ रहा है, 2 × 2 = 6, 2 × 2 = 1, तो इसका मतलब है 2156 से आप 135 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पहला जो आंसर मिलेगा वो 2129 1060 मिलेगा। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहला आंसर मैच कर गया, लेकिन हम सॉल्व करेंगे क्यों, क्योंकि हमें फाइनल आंसर भी चाहिए। फाइंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग स्लैंटाइट, स्लैंटाइट क्या होती है पाई आर एल, यानी 22/7, आर कितना था 14, एल कितना था भाई 17, सही 1/2, बस सॉल्व कर डालो आंसर आ गया। देखो 22 × 2 × 35/2, देखो ये 2 गया, अब देखो 22 × 5 = 110, 22 और आपका ये कितना हो जाएगा 22 × 3 = 66, 77, ठीक है, यानी 770 मीटर स्क्वायर है। अब आपको पता है कि 3.30 रुपए मीटर स्क्वायर के हिसाब से चल रहा है, तो आप 70 मीटर स्क्वायर जब कवर करोगे तो 3.30 रुपए पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर 2541 आएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को यह समझ में आया होगा, इसलिए मैंने इसको 2 बार रिपीट किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगला सवाल है, कोन ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर एंड बेस 1 सेंटीमीटर इज कार्व्ड, इसका देखो बहुत जबरदस्त मेथड है, मतलब एकदम बढ़िया मेथड है। देखो अ कोन ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर, ये कोन है 7 सेंटीमीटर की क्या है हाइट है, ठीक है। अब ये कह रहा है और रेडियस, बेस रेडियस 1 है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसे जो है क्यूबॉइडल ब्लॉक से निकालना है, क्यूबॉइडल ब्लॉक क्या है ये वाला, यानी कहां से निकालोगे, क्यूब जो है क्यूबॉइड से निकालना है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका शेप भाई, इस तरीके से निकाला जाएगा, यूं करके आप कार्ड किया जाएगा, तो इतना एरिया तो यूज हो गया, जो ये बचा ये एरिया क्या हो गया वेस्ट हो गया, तो वो वही पूछ रहा है वेस्ट क्या है। हम देखो इसे परसेंटेज की हेल्प से करेंगे, बहुत मजेदार सवाल है, देखो कैसे, आपने यूज कितना किया 1/3 pi r² h, बहुत ध्यान से देखना, और कितना वॉल्यूम था, किसमें से यूज किया भाई, यहां पे पर देखो हम ये करेंगे यूज्ड अपॉन टोटल, यही होगा, और टोटल क्या था lbh 10, 5 और 2, तो यहां पर अगर आप जरा गौर से देखें तो 1/3 pi क्या 22/7, r कितना है भाई 1, ठीक है सेंटीमीटर 7, ये गया, अब डिवाइड बाय 100 हो जाएगा।
अब जरा गौर से देखिए आप यहां पे, तो हमने जो है 22 यूज किया 300 में से, यानी इसका मतलब 11 यूज किया 150 में से। अगर 150 में से 11 यूज किया तो देखो लॉजिक कहता है कि ये 90% आपने यूज कर लिया है, ठीक है, सॉरी आपने जो है सिर्फ जो है 10% के अंदर यूज किया है। क्यों? क्योंकि आपने वेस्ट कितना किया है 139, किसमें से 150 में से, और परसेंटेज निकालो 50 2 50 3 और 50 2। अब देखो ये कितना हो जाएगा आपका, कटेगा तो मेरे ख्याल से 92 whole 2/3% आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। तो परसेंटेज का इस्तेमाल करिए क्योंकि आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। ओके चल अगला कह रहा है, इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज थ्राइस दैट ऑफ अनदर कोन। अच्छा एक बार बताओ, कर्व सरफेस एरिया एक कोन का है, कोन वन इज इक्वल टू थ्राइस द अनदर कोन, कोन टू, ठीक है, सी एस ए। अब वो कह रहा है स्लैंट हाइट सेकेंड वाले की फर्स्ट वाले से 3 गुना है, ठीक है। अब यहां पे समझो इसका ये स्लैंट हाइट क्या होता है, पाई आर वन एल वन इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ पाई आर टू एल टू। ये पाई पाई का किस्सा खत्म, आर वन अपॉन आर टू यानी रेडियस पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है रेडियस रेशियो ऑफ रेडियस, ठीक है, रेडियस का रेशियो बताना है, ये मिस हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है यहां पर आ जाएगा 3 L2 upon L1, और आपको पता है L2 upon N1 3 गुना है, तो ये 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, यानी 9:1 का आंसर मिलेगा। डिड यू गेट दैट? चलो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, अ कॉनिकल वेसल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 15 लीटर ऑफ मिल्क। एक कोन है जिसकी कैपेसिटी है 15 लीटर, बहुत ध्यान से देखना, इट्स हाइट इज 50 सेंटीमीटर, बेस रेडियस 25 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें दे रखा है हाइट 50 है, बेस आपका 25 है। हाउ मच मिल्क कैन बी कंटेन्ड इन अ वेसल इन सिलेंड्रिकल फॉर्म हैविंग द सेम डायमेंशन एज द कोन। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है कि कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, जबकि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, तो सिलेंडर का वॉल्यूम अगर सेम रेडियस और सेम हाइट है तो सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो 3 गुना होता है कोन के वॉल्यूम के बराबर। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो आपसे सीधा सीधा पूछ रहा, अभी हमने प्रीवियस पहले वाले या दूसरे वाले क्वेश्चन में ऐसा किया था, पूछ रहा है हाउ मच मिल्क कैन बी कंटेन्ड इन अ वेसल इन सिलेंड्रिकल फॉर्म हैविंग द सेम डायमेंशन एज दैट, यानी अगर सेम डायमेंशन रखनी है और सिलेंड्रिकल फॉर्म में जाना है तो भैया उसका 3 गुना जो है दूध उसके अंदर समा सकता है, यानी 15 लीटर का 3 गुना कितना हो जाएगा 45। हमें सॉल्व नहीं करना था, डायरेक्ट मुंह जबानी आंसर देना था। ओके भाई समझ में और पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करते रहिए। अ राइट सर्कुलर कोन रेस्टिंग ऑन इट्स बेस इज कट एट 4/5 इट्स हाइट, यानी अपनी हाइट से 4/5 पे 80% ऊपर जाके कट करेगा अलॉन्ग अ पैरेलल टू द सर्कुलर बेस, ठीक है भाई। देखो अब ये फ्रस्ट्रम टाइप का बन रहा है, लेकिन मैं इसको आपको ज्योमेट्री की हेल्प से सॉल्व करूंगा और फ्रस्ट्रम को भी ऐसे ही समझाऊंगा। देखो ये सपोज करिए, ठीक है, ये आपका जो वो था, अब ये कह रहा है कि 80% पे जाके कट करेगा, तो 80% ये रहा, ठीक है, यानी ये आपका यहां पर कहीं जाके आएगा, तो 80% का मतलब है ये एक हिस्सा रह गया और ये पूरा 5 हिस्सा है, तो आपने छोड़ा मतलब जो बचा वो कितना 4 हिस्सा। बहुत ध्यान से देखना, द हाइट ऑफ द ओरिजिनल कोन यानी जो असल कोन की यानी 5:1 की हाइट होगी वो 75 सेंटीमीटर के बराबर, 1:15 यानी ये हाइट 15 के बराबर, तो 4:60, ठीक है, यानी ये 60 और ये 15। देखो हमारे सामने सब खुलता जा रहा है। अब वो कह रहा है बेस रेडियस, अगर बेस डायमीटर दिया हुआ है 21, ठीक, व्हाट इज द बेस रेडियस ऑफ कट, यानी ये वाली रेडियस चाहिए आपको, तो एक बार बताओ अगर हम इसे ए बी सी डी ई माने तो हम क्या देखेंगे कि ये पैरेलल होता है ना, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, यानी ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। हम यहां पे क्या लगाएंगे, सिमिलैरिटी, ओके सिमिलैरिटी लगाएंगे, और सिमिलैरिटी में आपका क्या होता है साइड्स के रेशियो क्या होते हैं
बराबर। चलो तो साइड का रेशियो हम वही लेंगे जिसकी हमें जरूरत है, यानी AD अपॉन AB, क्योंकि हम दो ट्राइंगल को ले रहे हैं ना, तो AD अपॉन AB ठीक है इज इक्वल टू DE अपॉन BC इज इक्वल टू DE अपॉन BC। अब देखो AD अपॉन AB क्या हो जाएगा भाई, AD 15 है, AB कितना है भाई 75 है ठीक है, और DE कितना है नहीं पता, BC कितना है 21, 15 5, यानी जब आपका DE मिलेगा तो वो 21/5 यानी 5 × 20, 5 × 10 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर जो होगा फर्स्ट वाला होगा। सो यूज क्या अपना दिमाग, और प्लस ये बात ध्यान रखिए यहां पर आपको अपना दिमाग और ज्योमेट्री का भी इस्तेमाल करना है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज बाय पी परसेंट विदाउट इंक्रीजिंग इट्स हाइट देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर का है, अगर आपने पता किया हो तो देख लीजिएगा। आंसर तो मुझे दिख रहा है ये वाला डी वाला, लेकिन अगर मैं पकड़ना चाहूं तो कैसे पकड़ूंगा, देखो भाई देखो एरिया क्या होता है भाई, यहां पे समझिए, इफ द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज बाय पी परसेंट ठीक है भाई, व्हाट इज विदाउट इंक्रीजिंग हाइट ठीक है, तो देखते हैं ओरिजिनल और इंक्रीज हम रेशियो बनाते हैं। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 πr² h, ये भी होगा 1/3 πr। अब रेडियस बढ़ गई, रेडियस कितनी बढ़ेगी भाई r से कितनी हो जाएगी r प्लस कितना p परसेंट ठीक है rp/100 ठीक है। तो जब आप यहां से कॉमन लोगे तो यहां पे देखो इजी वे में आपको दिख रहा है यहां पे, अब यहां पे r से वो कितना हो जाएगा 100 + p/100 ठीक है, तो ये r² 100 + p/100 का होल स्क्वायर होगा क्योंकि r स्क्वायर है, और h का किस्सा खत्म, r स्क्वायर का किस्सा खत्म, π/3 का किस्सा खत्म। तो यहां पे देखो अगर हम इसे मिटा दें, देखते जाइएगा बहुत आसान तरीका है क्योंकि इसमें आप कैलकुलेशन में उलझ जाएंगे। देखो अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे सिर्फ बचा 1, और यहां पे कितना है सॉरी रेशियो यहां पे कितना है 100 + p/100 का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 100² ratio 100 + p² अब आपको पता है 100² से 100 + p² ज्यादा है क्योंकि p ज्यादा है उसके अंदर, तो हम डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस कैसे होगा भाई, भाई कितना बड़ा यही तो लेना ना, तो डिफरेंस होगा आपका ठीक है, देखो यहां पे डिफरेंस होगा आपका 100 + p² - 100 का स्क्वायर। 100 से ही तो बढ़ रहा है भाई, 100 से बढ़ रहा है, बहुत ध्यान से देखना 100² / 100 का स्क्वायर ओके। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, यहां पे a+b a-b लगा दो, तो जब आप a+b a-b लगाओगे तो एक आएगा p और फिर दूसरा आएगा 200 + p/100 ठीक है। यहां पे समझिए अब यहां पर आपका इजी वे में सारी चीजें बनती जा रही हैं ठीक है, तो आप यहां पे सवाल को इजी वे में क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए यहां पे अगर आप क्लियरली देखें तो आपको फाइनल आंसर क्या मिल रहा है, देखो अगर आपने डिफरेंस लिया ना तो आपने कंपेयर किससे किया है भाई 100² से ही तो कंपेयर किया है, और 100² से कंपेयर करो तो जाहिर सी बात है 200+ something रहेगा, तो यहां पर जो आपका आएगा और 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे ठीक है, ये बात ध्यान रखना, तो एक स्क्वायर का गया तो यहां पर बचा क्या पी ठीक पी 2 + p/100 यानी आपका ऑप्शन कौन सा डी वाला करेक्ट है ओके। अगला सवाल, इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन टू इट्स स्लैंट हाइट, भाई रेडियस दिया हुआ है और राइट सर्कुलर कोन के साथ स्लैंट हाइट दी हुई 1:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया टू द कर्व सर्फेस एरिया। अच्छा एक बात बताओ टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है πr l + r ठीक है, ये टोटल सर्फेस एरिया, और कर्व सर्फेस एरिया क्या होता है πr l, तो πr गया l + r और l बचा, l + r होता है आपका 4 और l कितना होता है आपका 3। आंसर आपका क्या हुआ डी, कुछ करने की जरूरत नहीं
आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सो गाइस, ये था हमारा कोन का सेक्शन, इसे जाके पढ़िए क्योंकि जो है इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिए, अभी यहां पर इसकी एक कंप्लीट सीरीज भी बनाऊंगा, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको एक एक डेटा क्लियर होता जाए। तो गाइज यहीं तक के रखते हैं हम इस सेशन को। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप क्विज पीडीएफ के लिए, और सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।